नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ऑफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, क्वालिटी वर्सेस रेट्स इन कंस्ट्रक्शन। क्वालिटी, जैसे कि क्वालिटी के नाम से आप जानते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट जब खरीदते हैं या आप कोई भी नया सामान परचेस करते हैं तो उसमें आपको क्या चाहिए, अच्छी क्वालिटी की ज़रूरत रहती है। और वो क्वालिटी के साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपको वो कम रेट में चाहिए। सबसे अच्छा क्वालिटी या फिर गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट और लो रेट्स में या फिर कम रेट में है, ये तो एक यूनिवर्सल डिमांड है। अब कहीं भी जाओ, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए और कम रेट में चाहिए, और ये डिमांड जो रहती है ये पूरी करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। जैसे इंजीनियर्स हो, कॉन्ट्रैक्टर्स हो, सबको ये सब बैलेंस रखना, जैसे क्वालिटी और रेट्स दोनों को बैलेंस रखना एक चैलेंजेबल है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, अभी क्वालिटी, क्वालिटी कैसा है, नॉट बाय एक्सीडेंट क्वालिटी है। इट इज एफर्ट ऑफ स्किल्ड एजुकेशन, प्रॉपर गाइडेंस, सुपरविजन एंड गुड वर्कमैनशिप, ये तीनों का एक एफर्ट है कि क्वालिटी। अभी क्वालिटी लाने के लिए वो रेट्स, कौन से रेट्स, जैसे अच्छे क्वालिटी या फिर अच्छा बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो जनरली रेट हाई रहता है। ये जो अच्छे क्वालिटी उसको लेस रेट्स में या फिर रीजनेबल रेट्स में लाना, ये एक बहुत ही चैलेंजेबल टफ टास्क है। तो ये जो इंजीनियर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, उनको वो क्लाइंट के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट है या फिर उनका डिमांड है वो फुलफिल करने के लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स लेना पड़ता है। अभी जैसे भी एक जनरल बेसिक रूल कैसा है कि अच्छा क्वालिटी, मतलब जैसे जैसे आप अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेते जाएंगे उसका कॉस्ट वैसे ही बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन में कैसा रहता है, कंस्ट्रक्शन में उनको बहुत अच्छा क्वालिटी का काम रहना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया चाहिए, अच्छे क्वालिटी के मतलब स्किल्ड लेबर चाहिए। तो ये सब एक रीजनेबल या फिर लेस रेट्स में चाहिए। तो ये कैसे अचीव करना है, तो कुछ स्टेप्स है कि वो अच्छी क्वालिटी को एक लेसर या फिर रीजनेबल रेट्स में हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है वो स्किल्ड एजुकेशन या फिर स्किल्ड लेबर यूज़ करके हम उसको ये कर सकते हैं। दूसरा है कि जो भी स्टैंडर्ड मटेरियल है, उस स्टैंडर्ड मटेरियल परचेस करना है, वो जो भी स्टैंडर्ड मटेरियल हम परचेस करते हैं, जो भी वेंडर्स है, सप्लायर्स है, उनके साथ नेगोशिएशन करके या फिर बहुत सारे वेंडर्स को कॉन्टैक्ट करके, उनमें कंपेरिजन करके, उनके नेगोशिएशन करके उनसे रेट्स हम कम कर सकते हैं। स्टैंडर्ड है या फिर क्वालिटी मटेरियल है तो उसका जो भी मार्केट प्राइस है तो उसको क्लाइंट को कन्विंस करके या फिर क्लाइंट को दिखा कर सकते हम वो बता सकते हैं कि ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट है या फिर ऐसा जो भी आपका एक्टिविटी डिमांड है, जो भी कंस्ट्रक्शन है, तो उसका भी मार्केट रेट कितना चल रहा है। तो उसका कुछ एकदम एक लोअर टू लोअर कॉस्ट हम उनको बता सकते हैं कि ये इतना कॉस्ट उतना रहेगा, उसके नीचे हम नहीं जा सकते या फिर उसके नीचे जाने से अपने क्वालिटी के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। तो क्वालिटी अचीव करने के लिए ये नेगोशिएशन स्किल, इसके बाद क्लाइंट को कन्विंस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी क्लाइंट अपना कोई भी वर्क या फिर कंस्ट्रक्शन शुरू करता है तो उसका जो कोटेशंस लेते हैं, वो कोटेशन लेने के बाद उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से टाइप का मटेरियल चाहिए आपको, कौन से टाइप के वर्कर्स से काम करना है, कितना आपको उसमें क्वालिटी का रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से आपको रेट डिसाइड करना है। तो लेकिन जैसे सिर्फ लोअर या फिर लेसर कॉस्ट करके आपको वो कंसिडर नहीं करना है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो क्वालिटी को इम्पोर्टेंस नहीं देते, सिर्फ क्लाइंट को खुश करने के लिए एकदम लोअर या लेसर रेट्स में काम करते हैं, जबकि उसका इफेक्ट क्वालिटी के ऊपर होता है। लेकिन क्लाइंट को या फिर जो भी काम दे रहे हैं उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपको अच्छा क्वालिटी या फिर अच्छा काम लेना है तो उसके हिसाब से रीजनेबल रेट्स रहेंगे, उसके आप उसके नीचे या फिर लिमिट रहता है, उस लिमिट के नीचे आप नहीं जा सकते, रेट्स आपको डिसाइड करने होंगे। अगर आपको अच्छा क्वालिटी का काम चाहिए तो आपको उसके हिसाब से बजट रखना है अपना, तो थोड़ा हायर भी हो सकता है। तो इसलिए आपको अगर अच्छे गुड क्वालिटी या फिर अच्छा आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसको अचीव करने के लिए आपको एक अच्छे बजट की प्रोविजन करनी बहुत ही ज़रूरी है। तो इस हिसाब से
क्वालिटी और रेट्स इनको बैलेंस रखना, ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है इंजीनियर्स है वो उन लोगों को थोड़ा टफ टास्क रहता है। और क्लाइंट्स का सेटिस्फेक्शन, मतलब क्लाइंट्स को कन्विंस करना है, जो भी मटेरियल है, जो भी लेबर है, जो भी उनका कुछ भी प्रोसेस है, वो प्रोसेस समझा करके उनको हिसाब से वो प्रॉपर एग्जीक्यूशन करना, उनको जो भी प्रोडक्ट डिलीवरी करना और क्वालिटी वाइज डिलीवरी करना, ये बहुत ही चैलेंजेबल जॉब है। और ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के दरम्यान जब भी एग्जीक्यूशन रहता है तो उसमें टाइमली या फिर एक शेड्यूल के हिसाब से पेमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइमली पेमेंट हुआ तो उस हिसाब से मटेरियल परचेस में आसानी होती है, लेबर का पेमेंट प्रॉपर टाइम पे होता है तो उसके हिसाब से उनका मॉरल भी बढ़ता है, तो आगे काम के ऊपर एक पॉजिटिव असर होता है। तो एक टाइमली पेमेंट होना ये प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने देखा कोई भी प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट करना है और प्रॉपर क्वालिटी में करना है तो क्या क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले है नेगोशिएशन स्किल्स, उसके बाद है कन्विंसिंग क्लाइंट्स विद स्टैंडर्ड और रीजनेबल रेट्स, फिर स्किल्ड सुपरविजन, उसके बाद है प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर वर्कमैनशिप। अगर हम ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो हम लोगों को एंड रिजल्ट अच्छा मिलेगा या फिर टाइमली कम्प्लीशन विद गुड क्वालिटी, तो ये प्रोजेक्ट का अपना जो भी आउटपुट है वो बेटर या फिर सेटिस्फैक्ट्री रहेगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर हो या क्लाइंट हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, नेवर कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। अगर आप अपने बजट को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो तो उसी आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसको अच्छा मटेरियल या फिर स्टैंडर्ड मटेरियल से, स्किल्ड लेबर से और टाइमली कंप्लीट कर सकते हो और आपका जो भी प्रोजेक्ट रहेगा वो एकदम सेटिस्फैक्ट्री रहेगा और क्वालिटी ओरिएंटेड रहेगा। तो दोस्तों हमने देखा कि क्वालिटी एंड रेट्स और बजट इसमें कैसे साथ चलते हैं और दोनों को बैलेंस रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। जो कि यूनिवर्सल डिमांड है गुड क्वालिटी इन लोअर या फिर लेसर रेट्स, तो उसको क्लाइंट का डिमांड ध्यान में रखते हुए हम लोगों को क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए। तो क्वालिटी भी अच्छा देना है और रेट्स भी रिजनेबल होने चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। आपको सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।